Good morning everyone. What we have seen in our last class, as you all know that we have started our chapter that was metals and non-metals. Okay, and what we have seen in our last class, we have already discussed about elements, जिसमें अपने three categories of elements देखा था. First we have metals, non-metals and metalloid के बारे में अपने discuss किया था. And also we have discussed about matter. ओके और मैटर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है एटम, उसके बारे में भी अपन ने डिस्कस किया था. इन एटम आल्सो वी हैव सीन अबाउट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ओके एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में अपन ने डिस्कस किया था. एंड वी आल्सो हैव डिस्कस्ड अबाउट वैलेंस शेल, अंडरस्टैंड. और ये किस तरह से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते, किस तरह से एक दूसरे से रिएक्ट करते, कैसे एक दूसरे से कंबाइन करते. तो जब भी हमें नॉन मेटल्स को मेटल्स के साथ में रिएक्ट करवाना होता है तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि उनकी जो वैलेंसीज हैं वो क्या होती है. एंड वैलेंसीज के बारे में अपन पहले ही बात कर चुके हैं. इट मींस अपन ने देखो ये देखा था कि जो भी अपना एटम है, ठीक है, लाइक दिस इज न्यूक्लियस. जैसे ही अपना क्या हो गया, किसी भी एटम का न्यूक्लियस हो गया, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है. ठीक है, ये उसकी क्या होती है, सेल्स होती है. सेल या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, ऑर्बिट्स भी आप इसको बोल सकते हो. ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऑर्बिट हो गया, अंडरस्टैंड. ठीक है, और इन ऑर्बिट्स या फिर सेल जो है इनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो ये जो शेल अपन ने देखा, एन इज इक्वल टू 1, 2, 3, इस तरह से अपन ने नंबर ऑफ शेल्स की भी बात की थी. ठीक है, और अपन ने किया था कि जो भी अपने एलिमेंट होते हैं उनके उनमें ये क्या होती है, फिक्स होती है. तो इनका जो भी लास्ट शेल है, इस लास्ट शेल को तो अपन ने क्या कहा, वैलेंस सेल. और इस सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो इसकी क्या हो गई, इस पर्टिकुलर, जैसे ये हाइड्रोजन का है, ठीक है, तो पर्टिकुलर एलिमेंट की ये क्या हो गई, इसकी वैलेंसी हो गई. तो जितने इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट होते वो क्या हो गई, इसकी वैलेंसी हो गई, अंडरस्टैंड. तो इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अंडरस्टैंड. अब इसमें ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसी को अपन कहेंगे वैलेंसी, और इसी को अपन कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, ये ट्रांसफर करते हैं. और इन्हीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे बेसिस होता है, इनमें बॉन्ड होता है, और ये कैसे रिएक्ट करेंगे उसी पर डिपेंड करता है. ठीक है, तो किसमें कितने अपने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. अब अपन ने ये देखा था कि देखो इसमें क्या होता है कि जो भी इसका अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना, जो वैलेंस शेल होता है, हर कोई एलिमेंट ये चाहता है कि इसके वैलेंस शेल में ये क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए. और स्टेबल होने के लिए इनको किसकी नीड होती है, एट इलेक्ट्रॉन की नीड होती है. अब एट इलेक्ट्रॉन की क्यों नीड होती है, कैसे ये फुलफिल करते हैं, तो वो सारी डिटेल तो आप अपर क्लासेस में स्टडी कर लोगे. ठीक है, अभी अपने पास में अपने को समझना ये है कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें यहाँ पे क्या होने चाहिए, एट इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. तो इन इलेक्ट्रॉन्स को एट बनाने के लिए ये क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन्स देते रहते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते रहते हैं, गेन करते रहते. तो जैसे मैंने इसमें देखा कि ये जो लास्ट शेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4 हो गया, 5, 6. अब अपन ने ये देखा कि जैसे इसके पास में क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है, बट इसको क्या, इसको 8 होने के लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है ना. किसकी ज़रूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है. इट मीन्स इसकी वैलेंस क्या हो गई, -2. और कोई इलेक्ट्रॉन अपने पास में, जैसे इसमें अपन ने देखा ये क्या हो गया, 8, और इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा. अब ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके पास में एक्स्ट्रा, तो इसकी जो वैलेंसी है वो क्या हो जाएगी, +2. इट मीन्स ये बोलता है कि मेरे पास में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसको आप कोई भी ले लो. ठीक है, तो क्या होता है, किसी को तो नीड होती, किसी एलिमेंट को तो नीड होती है इलेक्ट्रॉन्स की, और कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, तो जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको तो अपन ने क्या किया, वो तो अपने क्या हो गए, इट मीन्स वो हमेशा इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार रहते हैं. तो इस टाइप के तो अपने क्या हो गए, मेटल्स हो गए. क्योंकि मेटल्स के पास हमेशा, आप ऐसे समझ सकते हो कि इनके पास हमेशा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के लिए तैयार रहते हैं.
क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, तो जैसे अपन अगर इसके बारे में बात करें तो जैसे हाइड्रोजन इसके पास वन इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इस तरह से अपन समझ सकते हैं इनकी वैलेंसी को समझने के लिए। नाइट्रोजन के पास वन इलेक्ट्रॉन है, ओके, और इसकी वैलेंसी प्लस वन हो गई, इट मीन्स ये प्लस वन इलेक्ट्रॉन दे सकता है, प्लस वन, ओके, ये क्या हो गया प्लस वन, इसकी जो अमोनिया इसकी भी क्या हो गई प्लस वन हो गई, अंडरस्टैंड, NH4, ओके, अमोनिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा NH4। इसी टाइप से बैरियम की 2+ हो गई, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब जो एलिमेंट क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, लूज करते हैं, उनको तो अपन ने क्या कहा मेटल्स, और उन पे हमेशा प्लस चार्ज होता है, जिनके पास भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके पास हमेशा प्लस चार्ज होता है। इट मीन्स ये सारे अपने जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये तो क्या हो गए मेटल्स हो गए, और ये अपने सारे क्या हो गए नॉन मेटल्स हो गए। जो इलेक्ट्रॉन हमेशा गेन करने के लिए तैयार रहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करते हैं एक्सेप्ट करते हैं, उन सबों को अपन ने क्या बोल दिया नॉन मेटल्स, और नॉन मेटल्स को हमेशा इनके पास में इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है कमी ही होती है, इनको कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होता है। जैसे अगर अपन बात करें क्लोरीन की तो क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, ब्रोमीन को 1 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। इसी तरह से ये जो जिन पे आप ओनली माइनस देख रहे हो ये तो क्या हो गए यहाँ तक, ये क्या हो गए इनको 1 इलेक्ट्रॉन की इनको क्या होती है नीड होती है, और ये जो आप देख रहे हो इनको क्या होती है 2 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। ठीक है, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, और ये जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। तो ये तो बात हो गई इनके इलेक्ट्रॉन जो है वो इनमें किस तरह से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्यों अपन यहाँ पे +2 -2 ये इस तरह से लिखे जाते हैं इनमें। ठीक है, अब अपन बात करेंगे कि जब भी अपन मेटल्स को नॉन मेटल्स के साथ में कंबाइन करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा मेटल अपने पास में कौन से मेटल की कितनी वैलेंसीज हैं, क्योंकि वैलेंसीज के बेसिस पे ये एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, और इनमें क्या होगा ये कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, लाइक ओके। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस सेल के बारे में तो आपने जान लिया होगा ना, तो जो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो तो कौन हो गए मेटल्स हो गए, और जो हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करते हो क्या हो गए नॉन मेटल्स हो गए। अब क्या होता है मेटल्स की नॉन मेटल्स के साथ में क्या होती रहती है रिएक्शन जो है वो होती रहती है। तो अगर अपन बात करें इनमें से कोई भी मेटल्स ले और इनमें से कोई भी क्या ले अपन नॉन मेटल्स थे, तो लास्ट क्लास में अपन ने इसकी कुछ झलक देखी थी कि जो भी अपना क्या होगा इनकी रिएक्शन जो है वो कैसे होगी। तो अगर यहाँ पे मैंने क्या ले लिया Mg2+, तो Mg मैग्नीशियम जो है उसकी वैलेंसी कितनी होगी 2+ हो गई, इट मीन्स ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और इसी टाइप से अपने पास में अगर अपन बात करें इनमें से, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया लाइक ऑक्सीजन मैंने यहाँ पे ले लिया, तो ये क्या हो गया 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना है इसको, और इसको 2 इलेक्ट्रॉन क्या करना है देना है। तो इन्होंने ये क्या करेंगे एज आई टोल्ड यू इसकी बैलेंस इसके पाँव में आएगी और इसकी बैलेंस जो है वो इसके पाँव में आएगी। अपन जब भी फॉर्मूला बनाते हैं तो अपन किस तरह से बनाते हैं, जैसे ये मैंने यहाँ पे लिखा मैग्नीशियम, इस पर क्या है -2 इसकी बैलेंस है, तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, और जो मैग्नीशियम है सॉरी ये क्या हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है इसके पाँव में क्या आएगी इसकी वैलेंसी आएगी, तो यहाँ पे अपन ने क्या कर लिया 2 कर लिया। अब ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और अपना जो न्यू कंपाउंड बनेगा वो क्या बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरह से अपन लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया मेटल का सोडियम मेटल ले लिया, तो ये हो गया +1, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या कर लिया कार्बोनेट ले लिया, ठीक है, डिफरेंट वैलेंसीज ले लेते हैं यहाँ पे। एक मैंने क्या ले लिया कार्बोनेट, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी 2-, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे इनको इस तरह से क्रॉस आउट करेंगे इंटरचेंज करेंगे, तो सोडियम जो है इसके पाओ में तो क्या हो जाएगी इसकी वैलेंसी आ जाएगी, ओके, और जो कार्बोनेट है ठीक है इसके पाओ में क्या आ जाएगी इसकी वैलेंसी आ जाएगी, ओके, किसकी सोडियम की वैलेंसी यहाँ पे है। यहाँ पे अपन प्लस और माइनस नहीं लिखेंगे, इनकी जो वैलेंसीज होती है इनको इनके पाओ में लिख देते हैं, ठीक है। तो अपन ये फॉर्मूला अपना क्या हो जाएगा Na2 एज इट इज इनको लिख देंगे CO3। अब 1 जो है उसको लिखने की नीड नहीं है, अपन लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखे तो भी कोई बात नहीं है।
तो ये अपना जो कंपाउंड है वो क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट बन गया। इसी तरह से अपन किसी को भी इसमें ले सकते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉपर ले लिया, ठीक है। तो ये कॉपर जो है ये तो क्या हो गया, इसकी टू वैलेंसी है। अब इनमें से क्या लूँ मैं यहाँ पे, चलो ये हाइड्रोक्साइड आयन ले लेते हैं, ठीक है। आप इन सब की वैलेंसीज देख सकते हो, जैसे हाइड्रोजन की वैलेंसी प्लस वन, सोडियम ओके, सिल्वर, पोटेशियम, अमोनियम, बेरियम, कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, लेड, जो भी अपने आयरन, ठीक है। तो एल्यूमिनियम, इन सब की वैलेंसीज ये अपने पास में है, और ये अपने नॉन मेटल्स है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट हो गया, ऑक्सीजन, सल्फर, और ये क्या हो गया, सल्फेट कार्बोनेट, और ये क्या हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो ये अपने कुछ वैलेंसीज हैं, ये जब आपको पता होंगी तभी आप इनकी रिएक्शंस करवा सकते हो, एल्स आप इनकी रिएक्शन नहीं करवा सकते। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया, एग्जांपल कॉपर, तो मैंने क्या ले लिया पे, मेटल ले लिया। अब मैं बात करूँ नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल में मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, हाइड्रोक्साइड आयन, तो ये क्या हो गया, OH माइनस। अब मैं इनका क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, तो कॉपर जो है, कॉपर के पाँव में क्या आ जाएगी, इसकी वैलेंसी आ जाएगी, और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी क्या हो गई, वन हो गई। इसी टाइप से यहाँ पे मैंने क्या किया, OH हाइड्रोक्साइड ले लिया, और इसकी जो वैलेंसी है वो क्या हो गई, टू। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको। तो ये किस तरह से लिखे जाएंगे, CuOH होल ट्वाइस। तो अपना क्या कंपाउंड बन गया, कॉपर हाइड्रोक्साइड। और एज आई टोल्ड यू, इसमें अपन ने देखा था इस एग्जांपल में, ठीक है, अगर इनकी सेम वैलेंसीज होंगी तो वो क्या हो कर देंगे, एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे। तो इस तरह से आप काफ़ी सारे एग्जांपल्स यहाँ पे ले सकते हो, लाइक सोडियम और क्लोराइड अगर मैंने लिया, दिस इज सोडियम, ठीक है, जिसकी प्लस वन वैलेंसी है, क्लोरीन की क्या होगी, माइनस वन वैलेंसी होगी। अब अपन क्या करेंगे, इनको इंटरचेंज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगी, इनकी वैलेंसीज को इंटरचेंज करेंगे और एक की वैलेंसी दूसरे के पाँव में आ जाएगी, तो ये क्या हो गया, सोडियम हो गया। सोडियम की जो वैलेंसी है वो प्लस वन है, तो या सोडियम के पाँव में क्या आ जाएगी, क्लोरीन की वैलेंसी आएगी, तो Na वन हो जाएगा, और इसी तरह से ये Cl वन हो जाएगा। तो इनसे क्या बन जाएगा, अब वन है तो वन को कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है, और वैसे भी वन को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, NaCl, सोडियम क्लोराइड कंपाउंड जो हो आपका बन जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ से काफ़ी सारे एग्जांपल्स ले सकते हो, कुछ मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, और कुछ एग्जांपल्स आपको खुद से सॉल्व करने। ओके, लेट मी टेल यू वन मोर, ठीक है। एक जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया, लेड ले लिया, जिसकी वैलेंसी प्लस टू हो गई, और एक मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, सल्फेट, ये क्या हो गया, SO42 माइनस, इसकी वैलेंसी हो गई। तो इनको क्या करेंगे, सबसे पहले इंटरचेंज करेंगे, तो ये Pb हो गया, इसके पाँव में इसकी वैलेंसी आएगी, तो ये 2 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, SO4, और इसके पाँव में क्या आ जाएगी, इसकी वैलेंसी आएगी, और ये 2 को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, एंड देन ये क्या बन जाएगा, लेड सल्फेट। ओके, क्या बन जाएगा, ये लेड सल्फेट। इस तरह से आप काफ़ी सारे कंपाउंड्स इससे बना सकते हो। ओके, सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट हाउ कैन वी रिएक्ट टू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो है वो एक दूसरे से रिएक्ट कैसे करेंगे, अभी आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, आप काफ़ी सारे एग्जांपल्स यहाँ से ले सकते हो, लाइक बेरियम सल्फेट आप ले सकते हो, कैल्शियम सल्फेट ले सकते हो, मैग्नीशियम सल्फाइड ले सकते हो, जिंक ऑक्साइड बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो आप इनसे। ओके, तो ऐसे काफ़ी सारे कुछ एग्जांपल्स, देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने करवा दिए, बाकी जो रिमेन एग्जांपल्स हैं वो आपको अपने हाउस पे प्रैक्टिस करना है, उनको रफ नोटबुक में खुद से बना के देखना है, सो दैट आप इनको जो रिएक्शन करना है वो अच्छे से समझ सको, ठीक है ना। दिस इज अबाउट वैलेंसीज एंड रिएक्शंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, नाउ वी हैव इज प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, अपन बात कर रहे हैं मेटल्स की सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ओके, सो वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, और प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में भी अपन क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, और प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में भी अपन सबसे पहले किसकी बात करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ओके, अब अपन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी से क्या समझते हैं, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी का मेन क्या हो गया, अगर आप किसी भी चीज़ को क्या कर सकते हो, टच करके पहचानते हो,
ओके, टच करके कैसा आपको फील होता है, सॉफ्ट फील होता है या रफ फील होता है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। और आप क्या करोगे, देख के उसका कलर पहचान सकते हो, लाइक वाइट है, पिंक है, ब्लू है, जैसा भी है। अगर आप किसी भी चीज़ को देख कर, टच करके पहचानते हो तो वो क्या हो गई, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। और आप किस किस चीज़ से पहचान सकते हो उसको, देखो टच करके पहचान सकते हो, टच, टेस्ट, स्मेल एट्सेट्रा, इन सब से अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हो, इट मींस दैट आप किस बेसिस पे उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो, अंडरस्टैंड, ओके। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं मेटल्स की, वो कुछ हैं अपने पास में, लाइक ये क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं। अब कैसे मैलिएबल होते हैं, क्या होते हैं, इनके बारे में तो हम बात करेंगे, अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे इनके कुछ ये जो पॉइंट्स हैं उन्हीं के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये क्या होते हैं, मैलिएबल। मैलिएबल होता क्या है, ठीक है, कैसे, और इन्हीं के बेसिस पे अपन नॉन मेटल्स की भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो एक अपना ये क्या हो गया, ये मैलिएबल होते हैं, एंड डक्टाइल, क्या होते हैं, ये डक्टाइल होते हैं। एंड देन वी हैव इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एंड देन वी हैव इज लस्टरस, क्या होते हैं ये, लस्टरस होते हैं, ओके, हार्डनेस इनके अंदर होती है, हार्डनेस, ओके, एज आई टोल्ड यू सॉलिड एंड, ठीक है, ये किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में, ओके, क्या हो गया, सॉलिड हो गया इनका जो मेल्ट, अब सॉलिड है, देन यू कैन से दैट हाई मेल्टिंग पॉइंट, ओके, हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट जब हाई है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा इसका, हाई, सो हाई बॉइलिंग पॉइंट, ओके। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो क्या होता है, हाई होता है। अब ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, लस्टरस होते हैं, सोनोरस होते हैं, दे सोनोरस ऑल्सो, ये क्या होते हैं, सोनोरस, ओके। अब ये सोनोरस कौन सी प्रॉपर्टी है, लस्टरस कौन सी प्रॉपर्टी है, जब आप इनको टच करते हो तो के ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं या नहीं करते हैं, और जब करते हैं तो कैसा साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ये अपनी हो गई। एंड आप इनको वायर में कन्वर्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये सारी प्रॉपर्टीज़ अपन बात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ओके। सो इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।